मैंने एक बार नहीं दो चार बार कुंडलियां देखी है। राज के जन्म के समय में एक आध घंटा भी आगे पीछे होता ना तो सब सही हो जाता और अतीत के दोष का प्रभाव भी मिट जाता। नहीं, मैं राज और अग्नि की खुशी के बीच में कुछ भी नहीं आने दूंगी। एक्चुअली शास्त्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रहों के आगे किसकी चली है, और स्टार्स का तो सबको मानना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ये तो गलत है। ये देखिए, क्या गलत है? राज का जन्म 342 पर हुआ था, ना कि 234 पर। ये तो कुछ टाइम का मिक्सअप है। आपको पूरा यकीन है? शास्त्री जी, मैं राज की माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा। दरअसल बात यह है कि मुझे ये कुंडली वगैरह पे विश्वास नहीं है, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से कह दिया था, उन्होंने बनवा दी थी और बनवा के अलमारी में रख दी थी। मैंने तो इनफैक्ट इसे अभी देखा है, इससे पहले तो देखा भी नहीं था। अंजलि जी, अगर यही सच है तो ठीक है। अगर मगर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है शास्त्री जी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको राज का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर लिया। मैं ये शुभ समाचार अंदर खंडेलवाल जी को दे देता हूँ। ऑफ कोर्स, जल्दी जाइए, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। जी। गॉड, मैं ये कुंडलियां और स्टार्स में तो बिलीव करती नहीं हूँ, लेकिन राज और अवनी को आपने ही मिलाया है ना, तो बस आप ही सब कुछ संभाल लीजिएगा। बच्चों के लिए ये छोटा सा झूठ बोला है मैंने, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। राधे जी की कृपा से कुंडलियां मिल गई है। आई शास्त्री। राज, मैं बहुत खुश हूँ। अगर कुंडलियां नहीं मिलती और पापा शादी से इनकार कर देते तो फिर तो हमें सच में भाग शादी करनी पड़ती। मुझे तो पहले ही पता था कि कुंडलियां मैच होंगी ही होंगी। वो कहते हैं ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। और देखो ना, इन दोनों को एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक स्मार्ट, डैशिंग, इंटेलिजेंट, और दूसरे का तो बस जवाब ही नहीं है। एक मिनट, इनमें से कौन क्या है? दिख तो रहे साफ साफ, बताने की क्या जरूरत है? क्या क्या मतलब, क्या आपका? साफ साफ दिख तो रहा है भाई। हाँ, राज तो है स्मार्ट, डैशिंग, इंटेलिजेंट। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, स्मार्ट है, डैशिंग है, इंटेलिजेंट है। क्या क्या मतलब क्या था आपका? ओह माय गॉड, सो स्वीट। नो, मुबारक हो, दोनों की कुंडलियां मिल गई। आपको भी मुबारक हो। आइए। अंजलि जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। अच्छा तो शास्त्री जी, कोई सगाई की अच्छी सी तारीख निकली? जी, एक मिनट। सुकेत जी, सगाई के लिए परसों का दिन शुभ रहेगा। परसों? वेरी गुड। परसों? 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 तो बेटा परसों प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, इतनी सारी तैयारियां, ड्रेस, हेयर, ज्वेलरी, फेशियल, ओह गॉड, मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कैसे होगा ये? तो क्यों इतनी चिंता कर रही है? अवनी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम्हारी माँ है, बाऊजी है, अक्षत है, आभास है, अर्पिता, सब लोग तो हैं। देखना, हर एक फंक्शन बहुत शानदार होगा। जी हाँ, परसों सगाई है, डेकोरेशन की सारी तैयारियां करनी है। आप एक काम कीजिए, सारे काम छोड़िए, फौरन यहाँ पे आ जाइए, संगीत तक आपको यहीं रुकना है। हाँ प्रताप जी, सगाई परसों की तय हुई है जी, सारी ज्वेलरी तैयार है ना? हाँ राधे कृष्ण हलवाई, मैं अक्षत खंडेलवाल बोल रहा हूँ, मेरी बहन अवनी की सगाई है परसों, तो सारी मिठाई का अरेंजमेंट आपके यहाँ से हो। हेलो रोहित, घर में परसों फंक्शन है, तो दो तीन दिन मैं फुल टाइम काम पर नहीं आ पाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ सावी, सुनो जल्दी से घर आ जाओ, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ सगाई की डेट निकल आई है। हाँ परसों। ठीक है। हाय पिता। हाय। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कम। आई एम सॉरी कि तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, वो एक्चुअली मैं वहां नहीं आ सकता ना,
इसलिए। नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ हुआ क्या, इतना अर्जेंटली तुमने मुझे बुलाया? रिंग अर्पिता। रिंग? अवनी की एंगेजमेंट रिंग। हाँ तो उसका क्या? मैं चाहता हूँ कि अवनी की रिंग दुनिया की सबसे बेस्ट रिंग हो और वो तुम बनाओगी। राज, मैं? हाँ अर्पिता, मैं चाहता हूँ कि अवनी की रिंग प्यार की खूबसूरत सिंबल बने और वो तुम ही बनाओगी, क्योंकि तुम्हारे प्यार ने मेरी और अवनी के प्यार की नींव को मजबूत कर दिया। और अगर तुमसे बनाऊंगा ना तो डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा, है ना? राज, अर्पिता, ये मेरा बेटा ना बिल्कुल पागल है। तुम पैसों की और डिस्काउंट की बिल्कुल फिक्र मत करना। मुझे अपनी बहू के लिए दी बेस्ट रिंग चाहिए। आंटी, ये तो ब्लैंक चेक है। हाँ, कह दिया ना कि पैसे और डिस्काउंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो तुम्हारा मन करे वो भर देना। मेरा पहला चेक। हाँ रोहित। हाय अर्पिता। सॉरी, कुछ देर पहले तुमने कॉल किया था तो उस वक्त क्लाइंट से बात कर रहा था। नो इट्स ओके, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला है, बहुत ही एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट रिंग बनानी है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेट्स अर्पिता। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कांग्रेचुलेशंस। वाह, खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे मार्केट से करोड़ दो करोड़ का ऑर्डर मिला। तुम्हें ऑर्डर मिलेंगे मैडम, लेकिन सिर्फ अपने रिश्तेदारों से और मे बी फ्रेंड्स से। अपनों की मेहरबानी यही है, इसलिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। असली काम वो होता है जब बाहर वाले तुमसे अपने गहने बनवाने, और ऐसा होते हुए तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और भी ज्यादा कलर्स है जो तुझ पे ज्यादा सूट करेंगे। इसमें क्या बुराई है, इतनी सुंदर तो लग रही है। माँ, मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मुझे एकदम परफेक्ट दिखना, परफेक्ट। अवनी, इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतना सब, अपनी चॉइस की चीजें मिलना आसान नहीं है। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तू क्यों इतना घबरा रही है अवनी? हम सब है ना, सब कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट होगा। अभी बुआ गई है ना मार्केट, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। हेलो, नमस्ते। नमस्ते बॉस। जीती रहो, गॉड ब्लेस यू। भाई वैसे तो मैं लड़के वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा फंक्शन यहाँ हो रहा है तो यहाँ आके आपकी कुछ हेल्प करवा दूँ। एवरीथिंग फाइन? भाई मैं तो कहता हूँ बेस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती। हमारी गुड़िया रानी जो पहन लेती है ना, वही बेस्ट हो जाता है। अपनी, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ डिजाइन्स डाउनलोड किए हैं इंटरनेट से, तुम जरा देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो।
see this one? ये वाला. नहीं. क्यों? ये. Wow, this is so beautiful. ये store. मैं अभी जाके store से dress ले लेती हूँ. Done. अब माँ, मैं जाऊँ? हाँ जा. शुक्र है कुछ तो पसंद आया. लेकिन ये स्टोर है कहाँ पे? अब उमद का. चल देविका, हम लोग चलते हैं. हाँ. नहीं अभी. नहीं अपनी, वहां कोई नहीं जाएगा, वो बहुत दूर है. माँ, मैं जानती हूँ कि वो जगह जयपुर से थोड़ी दूर है, लेकिन डोंट वरी, मैं टाइम से आ जाऊंगी. ओके, प्रॉमिस. भावना, अगर आपकी बेटी वहां से कुछ लेना चाहती है तो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, अपनी उमदगांव नहीं जा सकती. अरे भाई, सगाई के पहले शहर से इतनी दूर जाना ठीक नहीं है. अपनी, तू ये पहन लेना ना, ये भी तो तुझे पसंद आया था और कलर भी तुझे जचेगा. लेना अपनी, फाइनल भी तो करना है. शादी से उमद गांव को जितना दूर रखा जाए उतना ही बेहतर. बाबूजी, अपनी का दिल तोड़ते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूं? नो वे डैड, अब आपका बेटा आपको और वक्त नहीं दे सकता. आपको सारा काम छोड़कर फौरन आना होगा, वरना आपको वार्न कर रहा हूं मैं. शादी के बाद में ससुराल में ही रहूंगा. हाँ, that's better. जल्दी आओ डैड, आपको बहुत मिस कर रहा हूं मैं. Bye डैड, love you. भैया जी, वो जो सावरी बुआ वाला गिफ्ट है ना, उसको प्लीज बहुत अच्छे से पैक कीजिएगा. अब जी जी, यू नो वॉट, सावरी बुआ को ना पूजा के हाथ से गिफ्ट दिलाओ, उन्हें अच्छा भी लगेगा. आजकल इतने सारे बिल्स, अरे ये तो अनाथ आश्रम से है. अभी ने क्या चाहिए? अल्लाह दे मुझे, ये तो रोज की भीड़ से यार आती रहती है. तू जा जाके अपने कपड़े चेक कर, फिटिंग नहीं हुए तो. शेरू जी, मेरी मानिए तो ये लड़का को मत खोलिए. अरे हमें जानना ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं. सोनियो, हमें सच का सामना तो करना ही पड़ेगा ना. मैं देखता हूँ क्या है इसमें. सुनियो तो नोटिस है, इसमें ऐसा लिखा है कि एक दो दिन में पूजा को वापस भेजना होगा. मेरी बच्ची है, मेरी जिंदगी है वो, मैं उसको खुद से दूर नहीं कर सकती. सोने संभाल अपने आप को, रात की शादी होने वाली है, खुशी का माहौल है. ये बात हम सबको बता के दुखी नहीं कर सकते. बस मां, बहुत हो गया और नहीं. अरे खा ले बेटा, जी भर के खा ले, इतनी मेहनत कर रहा है. शादी ब्याह के मौके पर तो और ज्यादा ही खाना चाहिए. अपनी, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? अरे भाई, होने वाली दुल्हन है, होने वाली दुल्हन को तो स्लिम ट्रिम और बिल्कुल फिट रहना चाहिए, है ना? बाऊजी आप भी ना. वो ऐसा अपने ससुराल चली गई बुआ के साथ, अगर वो यहाँ होती ना तो बहुत एंजॉय करती. अच्छा हुआ चली गई भाई, मैं तो खुश हूँ कि कम से कम ससुराल वालों की भी देखभाल कर रही हो. अपनी बिटिया के लिए कोरियर है. भावनी, अभी से तुम्हारी दोस्तों ने प्रेजेंट भेजना शुरू कर दिया. ओह माय गॉड, ये तो वही ड्रेस है.
वो मत गाओ वाली जो मैंने ऑनलाइन देखी थी, जो मुझे पसंद आई थी, जिस सो प्रिटी है ना, माय गॉड आई कांट बिलीव इट, ये ड्रेस मां लाइक दिस सो मच, आई एम सो हैप्पी कि मुझे घर आना, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो, मुझे पता था कि आप ये ड्रेस मंगा दोगे, आपने ड्रेस मंगवा दी, आप कितने अच्छे, थैंक यू सो मच, आपने ये ड्रेस मैंने नहीं ऑर्डर की, तो फिर किसने ऑर्डर की? चिकी, ये देख। अंजलि मॉम आपने आउट ऑफ द वे जाके वो ड्रेस मेरे लिए दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम खुश हो ना? बस आई एम हैप्पी। भावना आप भी उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। मॉम एक मिनट, अंजलि जी थैंक यू सो मच, इतनी दूर उमद गांव से आपने अपने के लिए ड्रेस ऑर्डर की है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप ही की तरह मैं अपनी बहू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ जी। ओके देखो कैसी है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। उम्मत गांव से आई हुई पहली और आखिरी चीज हो मेरी बच्ची की शादी के लिए। डरती हूं अगर कुछ और आया तो कहीं साथ में वो मेरे अतीत का काला साया ना हो। क्या बात है माँ, रोज तो जबरदस्ती जगा देती हो और आज बिना जगाई जा रही हो। क्योंकि आज एक बहुत खास दिन है, आज तेरी सगाई हो रही है, मायके से ससुराल के रास्ते तक का पहला पड़ाव। इसके बाद तो तू राज और उसके परिवार के साथ जुड़ जाएगी, तो सोचा कुछ दिन और तुझे मैके में आराम से सोने दूं। लव यू माँ। देखते देखते कितनी बड़ी हो गई तू, कैसे हर वक्त चिड़िया की तरह मेरे आसपास चहकती रहती थी, और अब कुछ दिनों में
दुल्हन बन के किसी और के घर चली जाएगी। माँ तेरे नए रिश्ते जुड़ेंगे, नया परिवार होगा। सच कहूँ माँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बेटा, जिम्मेदारी तो है, लेकिन तू अकेली थोड़ी ना है। राज है ना जो हमेशा तेरा साथ देता है, और फिर अंजलि जी, मधु जी, जश्न जी और वो पूजा, सब तो तुझे कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन है। घर बदल जाएगा लेकिन अपनापन तो वो ही रहेगा ना। मैं सच में बहुत लकी हूँ, अब ऐसे ही मेरी गोदी में लेटी रहेगी या तैयार भी होगी। हे गोविंद जी, उमद का और उसका राज कभी नहीं खुलना चाहिए, खासकर तब जब ये शादी हो रही हो।